दोस्तों आज हम बात करेंगे ASUS ZenFone Max Pro के बारे में। लोगों के मन में काफ़ी डाउट है इस डिवाइस को लेकर। मैं आज की वीडियो में कोशिश करूंगा कि आपके मैक्सिमम डाउट्स मैं क्लियर कर पाऊँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, साथ ही बेल आइकन भी दबा देना ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्या ये फ़ोन हमें फ्लैश सेल में मिलेगा जैसे कि हमें MI के फ़ोन मिलते हैं। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, आपको ये जो फ़ोन है ये फ्लैश सेल में नहीं मिलेगा, नॉर्मली आपको ये फ़ोन मिलेगा, इजीली आप इसे बाय कर पाओगे। इसमें जायरोस्कोप सेंसर है या नहीं, क्या हम इसमें 360 डिग्री वीडियोस देख सकते हैं और क्या ये डिवाइस VR सपोर्ट करता है, तो बिल्कुल इसमें आपको जायरोस्कोप सेंसर मिलता है। मैं एक बार आपको 360 डिग्री वीडियो चला के दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं। तो जायरोस्कोप सेंसर आपको मिलता है इसमें और आप इस डिवाइस में VR भी यूज़ कर सकते हैं। क्या हमें इसमें नेटिव वीडियो कॉलिंग का ऑप्शन मिलता है, तो बिल्कुल आपको इसमें मिलता है ऑप्शन नेटिव वीडियो कॉलिंग का। कॉन्टेक्स्ट में आप देखोगे तो आपको वीडियो का ऑप्शन भी यहाँ मिल जाएगा, लेकिन ये जो ऑप्शन है ये अभी एक्टिवेट नहीं है, ठीक से काम ये नहीं कर रहा। ASUS का कहना है कि OTO अपडेट से इसको एक्टिवेट किया जाएगा। फ्रंट फेसिंग फ्लैश इसमें मिलती है या नहीं, तो आपको मिलती है इसमें फ्रंट फेसिंग फ्लैश, ये आप देख सकते हैं। और ये जो फ्लैश है ये आप वीडियो रिकॉर्डिंग के टाइम भी यूज़ कर सकते हो। क्या हम इसमें एक्सटर्नल माइक यूज़ कर सकते हैं, देखो एक्सटर्नल माइक अगर आपको यूज़ करना है तो आप डिफ़ॉल्ट कैमरा ऐप पे यूज़ नहीं कर पाओगे, उसके लिए आपको थर्ड पार्टी कैमरा ऐप इंस्टॉल करनी होगी। आप ओपन कैमरा ऐप यूज़ कर सकते हैं या आप यूज़ कर सकते हो फोटोजेट कैमरा ऐप। और भी काफ़ी एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं जो कि सपोर्ट करती हैं एक्सटर्नल माइक्रोफोन। स्क्रीनकास्ट का इसमें ऑप्शन है या नहीं, तो आपको इसमें ऑप्शन मिलता है स्क्रीनकास्ट का, आप यूज़ कर सकते हैं। क्या हम इसमें रेडमी नोट 5 प्रो की तरह स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हो। मैं एक बार आपको करके भी दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं। क्या हमें इस डिवाइस में गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन मिलती है, तो मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन नहीं मिलती। क्या ये डिवाइस हिंदी और पंजाबी लैंग्वेज सपोर्ट करता है, जी हाँ आप इसमें यूज़ कर सकते हो हिंदी और पंजाबी लैंग्वेज, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। देखो मैंने इस पर अभी हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट की है, ऐसे ही आप पंजाबी मराठी कोई भी लैंग्वेज चूज़ कर सकते हो। अगर हम एक सिम जियो और दूसरी एयरटेल यूज़ करते हैं और डेटा हम ऑन रखते हैं एयरटेल का, तो क्या ऐसे में जियो का नेटवर्क रहेगा, तो आप ऐसे यूज़ कर सकते हो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ये जो डिवाइस है ये ड्यूअल 4G वोल्टी सपोर्ट करता है, दोनों सिम में से आप किसी का भी डेटा ऑन रख सकते हो, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। कैमरा इसका कैसा है नोट 5 प्रो के कंपैरिजन में, देखो इसका जो कैमरा है उसको लेकर मैं एक अलग से वीडियो लाऊंगा आपके लिए, जिसमें मैं आपके कैमरा से रिलेटेड सारे क्वेश्चन का आंसर दूंगा, थोड़ा सा आप वेट कर लीजिए। जो इसमें इनबिल्ट एप्लीकेशन हैं जैसे कि गूगल के कुछ ऐप्स हैं, इन्हें हम अनइंस्टॉल नहीं कर सकते, तो क्या हम इन्हें डिसेबल कर सकते हैं, तो जी हां आपको इन्हें डिसेबल करने का ऑप्शन मिलता है, आप इन्हें डिसेबल कर सकते हो। फेस अनलॉक का ऑप्शन इसमें हमें मिलता है या नहीं, तो फेस अनलॉक का ऑप्शन तो आपको मिलता है इसमें, लेकिन वो अभी एक्टिवेट नहीं है, OTO अपडेट से वो एक्टिवेट किया जाएगा। नेटवर्क कैसा है इसका और कॉल ऑडियो क्वालिटी कैसी है, देखो मैं ये फ़ोन दो दिन से यूज़ कर रहा हूँ अपने प्राइमरी सिम के साथ, तो मुझे अभी तक इसमें ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं आई है, ना ही नेटवर्क को लेकर ना ही कॉल ऑडियो क्वालिटी को लेकर। 6GB वाला वेरियंट कब आएगा और क्या 6GB वाले वेरियंट में जो फ्रंट कैमरा है वो 16MP का है, तो जी हाँ 16MP फ्रंट कैमरा आपको मिलेगा 6GB वाले वेरियंट में, और वो कब आएगा उसको लेकर अभी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आई है ASUS की तरफ से। मेरे अकॉर्डिंग आपको उसके लिए अभी 1 मंथ और वेट करना पड़ेगा। OTG का सपोर्ट है या नहीं, तो आपको इसमें सपोर्ट मिलता है OTG का, आप यूज़ कर सकते हो। क्या इसमें डबल टैप टू वेकअप का ऑप्शन है, तो जी हाँ आपको ये ऑप्शन मिलता है इसमें, ये आप देख सकते हैं। क्या हम इस डिवाइस में ऐप लॉक कर सकते हैं या नहीं, देखो जैसे कि आपको पता है ये जो डिवाइस है ये स्टॉक एंड लोड पर चल रहा है, स्टॉक एंड लोड में आपको इनबिल्ट कॉल रिकॉर्डिंग ड्यूल लैप्स या ऐप लॉक जैसे फीचर्स नहीं मिलते। प्ले स्टोर पे काफ़ी एप्लीकेशन अवेलेबल हैं, वो आप यूज़ कर सकते हो। बाकी अगर आप चाहते हो तो मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा कि इस डिवाइस के लिए कौन सा कॉल रिकॉर्डर बेस्ट है, कौन सा ऐप लॉक आप यूज़ कर सकते हो या ड्यूअल ऐप्स के लिए आपको कौन सी ऐप यूज़ करनी होगी। अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हो तो मुझे बताना ज़रूर आप। रैम DDR3 है या DDR4? DDR4 रैम आपको मिलती है इसमें। ऑडियो आउटपुट कैसा मिलता है हेडफोन जैक से? हेडफोन जैक से काफ़ी अच्छा ऑडियो आउटपुट मिलता है इसमें, और जो इसका लाउड स्पीकर है वो भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है, मतलब ऑडियो क्वालिटी से आपको इस डिवाइस से कोई भी शिकायत नहीं होने वाली। क्या इसमें आयर ब्लास्टर है? तो नहीं, आपको इसमें आयर ब्लास्टर नहीं मिलता। टच रिस्पॉन्स कैसा है इसका? तो टच रिस्पॉन्स में इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ये जो डिवाइस है ये प्लास्टिक बिल्ड है या मेटल बिल्ड? मेटल बिल्ड के साथ आता है ये डिवाइस, लेकिन जो एंटीना बैंड्स हैं ऊपर और नीचे यहाँ प्लास्टिक यूज़ किया गया है। आज की इस वीडियो में इतना ही। आपके और कोई भी क्वेश्चन हो इस डिवाइस से लेकर तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाने वाला हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।